अस्सलाम वालेकुम। आइटम डेवलपर या एसएस के लॉगिन के लिए कैसे उन्होंने क्वेश्चंस ऐड करने हैं उसका तरीका बताने लगा हूँ। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने ये यूआरएल ओपन करना है, ये वाला आप लोगों ने लिंक ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद ये नज़र आ जाएगा आपको। इसके बाद आपने लॉगिन करना, लॉगिन करना का जो यूज़र नेम और पासवर्ड मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उस यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू आप लोगों ने इसको लॉगिन कर लेना। और लॉगिन करने के बाद आप लोगों के पास ये स्क्रीन आ जाएगी। आपने सबसे पहले इसको एडिट मोड ऑन करना है और साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है। साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे जाने के बाद कोर्सेज, मैनेज कोर्सेज। अब इस पेज पर आपके पास सारे सब्जेक्ट आ जाए, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, कंप्यूटर साइंस, सारे सब। अब आपने फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर के जो क्वेश्चन ऐड करने हैं बैच वन में, कंप्यूटर पर क्लिक करें। जैसे कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे राइट साइड पे आपको बैच वन, बैच टू आपको नज़र आ जाएगा। इसका बैच थ्री भी होगा तो वो भी हम ऐड कर रहे हैं। जैसे आपको बैच वन का बताता हूँ। अब जैसे ही आपने इस कंप्यूटर को क्लिक किया और राइट साइड पे कंप्यूटर के अंदर बैच वन, बैच टू, बैच थ्री नज़र आएंगे। अब बैच वन पे क्लिक करना, आपने बैच वन के जो क्वेश्चन ऐड करने हैं। बैच वन पे क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है नीचे, और यहाँ पे जाके ये आपको डिटेल आए कंप्यूटर बैच वन नज़र आएगा। जैसे ये नज़र आएगा इस पर जाके आपने इसको एडिट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक कर देंगे ये आ जाएगा कंप्यूटर बैच वन एडिट कोर्स सेटिंग। एंड पे जाके सेव एंड डिस्प्ले करके तो इधर लिखा होगा आपके पास ऐड क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला कंप्यूटर बैच वन है आपके पास, ये एक जो क्विज है आपके पास एग्जाम है बैच वन का, इसमें ऐड क्वेश्चन है और इसमें 30 मिनट का टाइम लिमिट है। ये चेंज भी कर सकते हैं। अभी आपने क्या करना है, इसमें क्वेश्चन ऐड करने हैं, ऐड क्वेश्चन करें। और ऐड क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पे जितने क्वेश्चन ऐड करने हैं इसमें आपने 25 करने हैं। ऐड क्वेश्चन करें, ऐड अ न्यू क्वेश्चन, और ये करने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे क्लिक करना है और इसको ऐड कर देना, और आपके पास ये एडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्क्रीन नज़र आ जाएगी। कैटेगरी आपने ये बैच वन का है तो बैच वन सेलेक्ट करना है, और ये कोई भी आप सेलेक्ट फर्ज करें, आप कर रहे हैं क्वेश्चन वन है, क्वेश्चन वन आप कर रहे हैं तो क्वेश्चन वन क्या होगा फर्स्ट करें। आपका क्वेश्चन वन है व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर। उर्दू होगा तो उर्दू में लिखें, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश में, वो आपके पास ये लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज के उर्दू में लिखना उर्दू कर लें, इंग्लिश होगा इंग्लिश में कर लें, या आपके पास जो पढ़े वो कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर लें। अच्छा ये क्वेश्चन है और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने देनी है, और शफल क्वेश्चन की चॉइस करनी है, ये भी ठीक है, ओनली वन आंसर इसी के। अब नीचे जाएं हम, आपके पास आगे चॉइस वन, चॉइस वन टू थ्री फोर तक आपने जाना है, फाइव को रहने देना। आपके इस क्वेश्चन की चार चॉइसेस हैं तो फर्क चॉइस वन में आ गए हम नीचे। पहले आपने, आपको मैंने बताया कि ऊपर डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर एग्ज़ाम को सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन नेम करना वन है, टू थ्री सेवन ट्वेंटी फाइव जाने हैं। क्वेश्चन टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट में व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये टेक्स्ट कॉपी कर देना, और इसके जो आंसर होंगे नीचे चले जाएँ आंसर्स पे। तो चॉइस वन जो एमसीक्यूज है तो चार आपने चॉइस देनी है। पहली चॉइस आप देंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एनिमल फॉर एग्जांपल, ये आपको पता है ये इनकरेक्ट आंसर है, इसको ना नहीं रहने दें। और दूसरा आंसर है आपका, हमारे पास ये है मशीन, मशीन है, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है, इधर इसको 100% कर लें, ठीक है। ये एक ऑप्शन है, ये दूसरी ऑप्शन है, और तीसरी ऑप्शन आपने दी है, इसको कह रहे हैं बर्ड, बर्ड है, उसको नन कर दें। और फॉर एग्जांपल इसकी आपने चौथी ऑप्शन देनी है, चौथी ऑप्शन कोई भी दे दें, वुड है, ठीक है, ठीक है, ये वुड हो गया। तो आपने ये चार ऑप्शन दे दी और नीचे जाके आपने इसको इसको सेव कर देना है, बस सिंपल आपने नीचे जाके सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग, सेव चेंजेस कर दें, कंटिन्यू एडिटिंग कर दें, ये क्वेश्चन आपका आया हो गया।
अब नेक्स्ट आपने अगला क्वेश्चन ऐड करना, तो यहाँ पे जाके अब नेक्स्ट अ न्यू क्वेश्चन ऐड करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड कर दें, और उसी तरह जैसे वो पहला किया इस तरह करते आप 25 क्वेश्चन जो है वो ऐड कर दें, और इस तरह आपके ये 25 क्वेश्चन जो है ना ये आपके वो ऐड हो जाएंगे। और जैसे इनको चेक करने के लिए आप किसी दूसरे ब्राउज़र में सिंपल वो वेबसाइट ओपन कर लें, ये वाली वेबसाइट, इसमें देखें ये जो आप अभी जो कर रहे हैं नीचे कंप्यूटर का होगा, ये कंप्यूटर का है, कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, आप बैच वन पर कर रहे हैं कंप्यूटर का, कंप्यूटर बैच वन पर, ठीक है, उस पर क्लिक किया, और यही जो एडमिन का लॉगिन होगा आप वो ही लगाएंगे चेक करने के लिए आपका वो किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरह करेंगे, ये आपके पास वो वाला जो आपने प्रीव्यू क्विज करेंगे तो वो आपका वो जो क्विज आपने ऐड किया होगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये आ जाएगा, और ये एक क्वेश्चन ऐड किया तो एक आ गया, इसी तरह 25 होंगे तो 25 करेंगे, इस तरह एक बैच वन कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेम आपने दूसरी तरफ जाके ये बैच टू करना है, वही साइट एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है, कोर्सेज पे मैनेज कोर्सेज, और इधर से कंप्यूटर सेलेक्ट कर लें जो आपका सब्जेक्ट है, ये बैच ये देखिए 1 2 3 1 पे हो गए, अगर क्वेश्चन हम 2 पे करें 2 के 25 क्वेश्चन करते हैं, फिर 3 के करते हैं, बस इसी तरह आपने अपने सारे सब्जेक्ट जो है इंग्लिश मैथ कंप्यूटर सारों ने अपने अपने जो है ये 25 25 25 जो है ना 75 क्वेश्चन ऐड कर देने हैं। और नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा इनको कैसे वो यूज़र को आपने सेंड करना है उसका तरीका जस्ट बता दूं कि ये आप जैसे ही जाते हैं स्टार्ट पे तो ये एक डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ये डाउनलोड करके ये जस्ट फाइल आपने एक जो है ना वो सेंड करनी है यूज़र को, ठीक है। अभी ये बाद में इसका मेन बताऊंगा, फर्स्ट आपकी जो टास्क है वो आप लोगों ने इनके जो है ना वो ऐड करने हैं क्वेश्चंस। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम आए तो फिर आप पूछ सकते हैं।